एक मशहूर सर्जन थे जिनका नाम था डॉक्टर हिशाम। वो जल्दी से हवाई अड्डे पर पहुंचे ताकि एक बैनल अक्वामी इल्मी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकें, जिसमें उन्हें मेडिकल की फील्ड में हासिल होने वाली अहम कामयाबियों पर एजाजात से नवाजा जाना था। प्रवास शुरू होने के कुछ ही देर बाद अचानक ये ऐलान किया गया कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से जहाज में खराबी वाकई हो गई है, इसलिए हंगामी तौर पर जहाज करीबी हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। डॉक्टर ने हवाई अड्डे पर इंफॉर्मेशन ऑफिसर से बात करते हुए कहा, मैं एक इंटरनेशनल डॉक्टर हूँ, मेरा हर मिनट लोगों की जानों के बराबर है, और आप ये चाहते हैं कि मैं 16 घंटे जहाज के इंतजार में बैठा रहूं? ऑफिसर ने जवाब दिया, जनाबे वाला, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो आप रेंट पर गाड़ी ले लें, यहाँ से आगे आपको गाड़ी पर 3 घंटे ही लगेंगे। डॉक्टर हिशाम इस पर राजी हो गए और गाड़ी रेंट पर लेकर रवाना हो गए। अचानक मौसम तब्दील हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उनके लिए सामने देखना भी मुश्किल हो गया, मगर वो चलते रहे। 2 घंटे गुजरने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वो रास्ता भटक चुके और थकावट भी महसूस हुई। करीब ही एक छोटा सा घर नजर आया, उसके सामने ही गाड़ी खड़ी कर दी और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, आप जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर दाखिल हुए और बूढ़ी औरत से उसका फोन इस्तेमाल करने की इजाजत चाही। बुढ़िया हंसी और कहने लगी, कैसा फोन बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ हो? यहाँ ना बिजली है ना टेलीफोन, लेकिन तुम बैठो और जरा आराम करो, एक कप गर्मा गर्म चाय पी लो, खाना भी पड़ा हुआ है वो भी खा लो, ताकि तुम्हारी जान में जान आ जाए। डॉक्टर हिशाम ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और खाना खाने लगे, जबकि बुढ़िया नमाज और दुआ में मशगूल हो गई। अचानक डॉक्टर साहब की नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो बुढ़िया के करीब चारपाई पर बेसुध पड़ा सो रहा था, और वो बुढ़िया हर 2 नमाजों के दरमियान उसे हिलाती। बूढ़ी औरत काफी देर नमाज और दुआ में मशगूल रही। ये सब देखकर डॉक्टर साहब ये कहते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, खुदा की कसम, आपकी मेहमान नवाजी और करीमाना अखलाक ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, और अल्लाह से उम्मीद है कि वो आपकी दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। बुढ़िया बोली, ए बेटे, तुम मुसाफिर हो जिसके साथ उसने सुलूक का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और रही बात मेरी दुआओं की, तो अल्लाह ताला ने मेरी एक दुआ के अलावा तमाम दुआएं कबूल कर ली हैं। ये सुनकर डॉक्टर हिशाम बोले, वो कौन सी दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई? बुढ़िया बोली, ये बच्चा जो तुम्हें नजर आ रहा है मेरा पोता है, इसके माँ बाप दोनों नहीं है, इसे कोई लाइलाज बीमारी लगी है जिसके इलाज से यहाँ के तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे किसी ने बताया है कि एक बड़ा सर्जन इसका इलाज कर लेगा, उसका नाम डॉक्टर हिशाम है, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर रहता है, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि इस बच्चे को उसके पास ले जा सकूं, और मुझे डर है कि कहीं ये बेचारा जान से हाथ ही न धो बैठे, इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ की है कि मेरा मामला आसान कर दे। डॉक्टर साहब रो पड़े और बोले, अल्लाह की कसम, आपकी दुआ ने जहाजों को खराब कर दिया और आसमानी बिजलियां गिराई और बारिश बरसाई ताकि मुझे खींच कर आप तक पहुंचाए। कसम से मुझे अपनी आंखों से देखने से पहले ये यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला दुआ पर ईमान रखने वाले अपने बंदों की दुआओं से असबाब को इस तरह पैदा करता है। जब असबाब खत्म हो जाते हैं तो जमीन और आसमान के खालिक की तरफ रुजू के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचता।